मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, शिस्त पाळा, लॉकडाऊन टाळा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसीलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो तीन चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं ये थे 8 ते 10 दिवस मरे किती जणांना लॉकडाऊन हवाय आणि किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। कुछ दिन पहले वर्ली में कुछ पब के कंप्लेंट्स आई थी, जहां पे देर रात जो है पब शुरू किया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई थी, सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था, तो उनके ऊपर जो है वो पुलिस कार्रवाई की गई और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करके गुनाह दाखिल किया गया। उसी तरीके से मुंबई शहर के अंदर अभी भी कुछ पब इस तरीके से देर रात अपना पब चलाने की कोशिश करते हैं और SOP सरकार की दी हुई फॉलो नहीं करते, तो ऐसे पब्स के ऊपर कार्रवाई चालू है। आने वाले दिनों में और कड़क कार्रवाई जो होगी, जो कोई सरकार की तरफ से परमिशन लेता है शादी करने का या बर्थडे करने का, जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं और जो गाइडलाइंस उनको दी गई उसको फॉलो करना होगा। फिर चाहे रेलवे स्टेशन हो, मास्क लगाने की बातें हो, आपने देखा होगा कि मास्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत कड़क कार्रवाई जो है मुंबई शहर में हो रही है। मुंबई शहर में अब तक करोड़ों रुपया जो है वो दंड के नाम पर लिया गया है और आने वाले दिनों में जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो और कड़क कार्रवाई भी हो सकती है।